इस बार का आईफा होने वाला है बहुत खास। यूँ तो आईफा इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी और ख़ास जुड़ जाती हैं जो इसे और ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। कुछ ऐसा इस बार हुआ है विक्की कौशल के साथ। जी हाँ, हमारे इस तौबा तौबा गाय को मिल गया है इस बार होस्ट करने का मौका। विक्की कौशल के लिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब विक्की कौशल के लिए इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना ही सपने की तरह था। फिर हमने ये भी देखा कि उन्हें न्यूकमर के तौर पर रोस्ट भी किया गया, लेकिन अब आज की तारीख में विक्की कौशल न सिर्फ स्टेज शेयर करेंगे शाहरुख खान और करण जौहर के साथ, बल्कि इस फेस्टिवल को होस्ट भी करेंगे, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विक्की ने मीडिया से बात करते हुए अपनी इस एक्साइटमेंट को शेयर किया और ये भी बताया कि ये कितना बड़ा मौका है। इसके साथ ही उन्होंने आईफा के साथ अपनी एसोसिएशन को लेकर के भी कई बातें की। आपको बता दें कि इस बार यूएई में यास आइलैंड में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी जुटेगी। बॉलीवुड अवार्ड्स की लिस्ट में जहां नेशनल अवार्ड्स को सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है, वहीं अगर आप दूसरे तरीके के प्राइवेट अवार्ड्स की बात करें तो इसमें आईफा को माना जाता है सबसे मशहूर या फिर सबसे ज़्यादा पसंदीदा अवार्ड्स। आईफा के लिए बॉलीवुड के लोग ज़्यादातर विदेश में एक जगह एक साथ जुटते हैं और वहाँ पर शानदार कार्यक्रम होते हैं। कई दिन तक चलने वाले आईफा अवार्ड्स का रोमांच देखते ही बनता है। विक्की कौशल इस बार इस अवार्ड को होस्ट करने वाले हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कमर्शियली भी देखा जाए तो उनका ये साल अच्छा गुजरा है, उनकी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है, उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली है, उनका ग्राफ अच्छा हुआ है, इसके साथ ही कमाई भी उन्होंने अच्छी खासी की है। कैटरीना से शादी के बाद कह सकते हैं कि उनका जो लक है वो और ज़्यादा चमक गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, विक्की कौशल को होस्ट करते देखने के लिए उनके फैंस हैं बेहद एक्साइटेड। आप कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।